स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आस्था के विषय में कुछ बात करेंगे। दोस्तों हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई कष्ट ज़रूर होता है। कोई शारीरिक रोगों से ग्रसित होता है, किसी की ज़िंदगी में धन की कमी होती है, कोई मन से दुखी होता है। कई लोग तो आपने ऐसे देखे होंगे जिनको देख के ऐसा लगता है कि ये कभी दुखी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो इंसान कभी खुश दिखता नहीं क्योंकि वो अंदरूनी मन से दुखित होता है। कई लोग संतान की वजह से परेशान होते हैं, तो कोई ना कोई दुख हर इंसान को लगा ही रहता है। भगवद गीता में भी लिखा है कि एक ऐसी चीज़ जिसको कोई भी नहीं रोक सकता वो है कष्ट, वो है दुख, वो है दर्द, वो है रोग, वो है मुसीबत। तो क्या हमेशा दुखी रहें? नहीं, पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा को बर्दाश्त करने की जो शक्ति आती है वो आस्था से आती है। अब आप सोचेंगे कि ये आप कैसी बात कर रही हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में अनेकों दुख होंगे, खुशियाँ भी हैं और दुख भी हैं। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के दो ही पहलू होते हैं, एक सुख और एक दुख। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख, ये तो चलता ही चला जाता है। और आखिर वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। ये सुख दुख तो चलते ही चले जाते हैं, लेकिन इस दुख को सहना कैसे आए? क्या दुख सहना ठीक है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि दुख को सहना, तो मैं आपको ये बताऊँ कि उस दुख से निकलना पड़ता है सहने के साथ, और निकलेंगे भी आप तब जब आपको सहने की शक्ति आएगी, और वो शक्ति आती है आस्था से। विश्वास रखिए, कोई दुख ऐसा नहीं है जो टिका रह जाए, कोई भी दुख ऐसा नहीं होता। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं वो विज्ञान में बहुत ज़्यादा विज्ञान में विश्वास रखते हैं, और उस विश्वास के अंतर्गत वो परमात्मा में यकीन नहीं करते। तो मैं आज ये बात आप लोगों को समझाना चाहूँगी, क्या विज्ञान इस बात का जवाब दे सकता है कि ये धरती गोल क्यों है, और अगर गोल है तो धरती कहाँ से आई, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? आखिर इन सब का जवाब घूम के यही आता है कि कोई शक्ति तो है जिसने इन्हें रचा, और वो भगवान है, और उसके ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने कभी सुना नहीं, वो हमारे अंतर्मन में रहता है, फिर भी हम उस पर यकीन करते हैं। और यकीन इतना कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, वो भगवान है। भगवान पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, भगवान पे फेथ किया जाता है। अब ये ट्रस्ट और फेथ में फ़र्क क्या होता है? ट्रस्ट तो सिर्फ विश्वास होता है, और अटूट विश्वास जो होता है ना, उसको हम फेथ बोलते हैं। और भगवान पे फेथ करनी चाहिए। जब ये अटूट विश्वास आप में आ जाएगा ना, तो आप कोई भी जंग जीत जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कि ख़त्म ना हो। हर परिस्थिति बदलती है, हर सीज़न बदलता है। आप देखते हैं ना, हर मौसम बदलता है, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। पतझड़ के बाद देखो, सावन तो आएगा ही आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो दोस्तों, आस्था उस परमात्मा में, ये आस्था में इतनी शक्ति है कि चमत्कार होते हैं, और कई चमत्कार आपने भी देखे होंगे, हर इंसान देखता है ज़िंदगी के अंदर इतने चमत्कार वो परमात्मा करता है। तो इस परमात्मा पे यकीन कीजिए, इसी को आस्था कहते हैं, और इसी आस्था के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आप में खुद परमात्मा का वास है। मनुष्य के शरीर में एक आत्मा होती है, जो आत्मा होती है वो उस परमात्मा का ही एक अंश है। तभी कभी ज़िंदगी में विश्वास मत खोना, सब कुछ खोना पर यकीन मत खोना, और वो यकीन खुद पर और परमात्मा पर रखना बस।